पीरियड जो है घर वालों के साथ बिताने का भी है। मम्मी के साथ हम बैठते हैं, अभी ब्रेकफास्ट भी मम्मी के साथ करते हैं, लंच भी मम्मी के साथ करते हैं, डिनर भी मम्मी के साथ करते हैं, और वाइफ भी बैठी है और बच्चा भी बैठा हुआ है। एक बच्चा तो न्यूयॉर्क में है, दूसरा तो शादी करके ऊपर है, ऊपर ही रहती है, मतलब ऊपर है, मतलब ऊपर ही रहती है हमारी। और तीसरी जो लड़की है, हमारी नीस हमारे साथ है, हमारी बहन हमारे साथ है, तो सब लोग साथ में खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, इससे एक जबरदस्त बॉन्डिंग हो रहा है। कल ही मैं अपने मदर को बता रहा था, और अभी क्या है, हमारे घर में तो 4-5 सर्वेंट है, ये गाड़ी धोने के लिए गए, साफ सफाई के लिए है, एक कुक है, एक दूसरा है, एक मेरे मदर का सेवा के लिए, ऐसे तो 5 जन है। अभी 5 जन को हमने बोला नहीं आना है, वो तो आने के लिए रेडी थे, लेकिन हमने कहा नहीं आना है। तो अभी ये पूरा जो काम है ये घर के सब लोग कर रहे हैं, तो कपड़ा धोने का काम बेटी कर रही है, कोई साफ सफाई करने का काम नीस कर रही है, खाना वो बना रही है, ये कर रहे हैं, तो एक जबरदस्त आनंद का माहौल है। और इसमें मैंने अपने मदर को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा, और ये बहुत जरूरी है पीरियड में, मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन है ये हम सब के लिए एक जबरदस्त बॉन्डिंग का पीरियड है। वो इसलिए क्योंकि क्या हो गया ना, ये मारामारी और ये भागदौड़ की दुनिया में और ये फोन की इस दुनिया में हुआ क्या है कि लोगों का डिस्टेंस बढ़ गया है एक दूसरे से। सब कुछ व्हाट्सएप में होता था, अभी सब फेस टू फेस हो रहा है, जबरदस्ती फुल डे सामने बैठना है तो फेस टू फेस हो रहा है, तो फेस टू फेस का जो एक आनंद है जो लोग भूल गए, वो आनंद वापस आ रहा है। दूसरी बात, जब मेरी बेटी साफ सफाई कर रही है घर का, जब मेरी वाइफ खाना बना रही है, जब मेरी सिस्टर कुछ और काम कर रही है, जब मेरी नीस कपड़ा धो रही है, और कल रात को हमने चपाती बनाया 1 बजे रात को, नायर साहब सलाह, हम तो 37 साल पहले चपाती बनाते थे, फोटो भेजूंगा आप लोगों को मैं, तो रात को 1 बजे मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था 1 बजे तक, उसके बाद मैंने देखा कि वाइफ सोई हुई, जनरली हम जाके उठा लेते हैं, फिर वो गरम गरम चपाती बना के देते हैं, और ये हमने बोला यार कौन सा सुबह उठ के अपने भागना तो है नहीं, तो चलो 1 बजे रात को हमने चपाती बनाया। तो पहली बार तो साला गैस चालू किया, तो ये 4 बर्नर है तो कौन सा वाला किधर जलता है किसको मालूम, तो चारों जलाया, फिर एक जली तो समझा कि इसकी वजह से जला होगा, फिर आटा ढूंढ रहे, अब आटा किधर रखते हमको क्या मालूम, फिर बटर ढूंढ रहे वो किधर रखा हमको नहीं मालूम, फिर वो बेलन ढूंढ रहा हूँ मैं, बनाता था मैं चपाती 1980s में, मैं चपाती भी बनाता था, कपड़े भी धोता था, खिड़की पे चढ़ के साफ सफाई भी करता था, भाजी तरकारी लेने जाता था, और दादर में जाके सस्ते में तरकारी लेके आता था, तो ये सब कर रहा था। तो ये हमने कल से ये काम चालू कर दिया, वो प्लेट उठा के रखना वो काम चालू कर दिया। पहले कुछ भी टूटा फूटा होता था, मतलब कल वो स्क्रबर है हमारे, फूड का स्क्रबर है, तो उसका वो ऊपर का वो निकल गया, वो क्या बोलते हैं सैंड पेपर, तो मैंने एरल डाइट निकाला, उसको मिक्स किया। ये एरल डाइट को मिक्स करने का काम हम आज से 40 साल पहले करते थे, तो अभी उसको मिक्स किया, उसको चिपकाया, उसके साथ बैठा। तो मैं मेरी मदर को ये बता रहा था, जितना हम अपने घर में काम करेंगे, जितने हम झाड़ू लगाएंगे, गटका लगाएंगे, शोकेस को साफ सफाई करेंगे, खाना बनाएंगे, माँ के साथ बैठेंगे, फादर के साथ बैठेंगे, नानी के साथ बैठेंगे, दादा के साथ बैठेंगे, इन चीजों से एक अटैचमेंट चालू हो जाता है। एक अटैचमेंट की वजह से घर के लिए जो एक रिस्पेक्ट है, इट इज नॉट अ प्लेस कि खाली रात को आके सोना है, सुबह उठ के भागना है, ये बहुत ही सुकून देने वाला एक जगह है। इसका एक अनुभव ये लॉकडाउन हम सबको दे रहा है, और मुझे लग रहा है ये बहुत ही सुंदर बात हुई है, टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम।